तो दोस्तों भांजे का 1 मंथ का जो बर्थडे था, ये मतलब बर्थडे जो सेलिब्रेट, बर्थडे ही बोला जाए, बर्थडे सेलिब्रेशन। फिलहाल दोस्तों मैं भी शॉप पे पहुंच चुका हूं और ये है पूरा मार्केट। इधर से उधर देख सकते हो आप, मैं तेजस दोनों जा रहे हैं अभी नाइट राइड पर। तो ये है दोस्तों आनंदा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब? स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। बहुत दिन से दोस्तों मैं ब्लॉग नहीं क्रिएट कर पा रहा था क्योंकि दोस्तों टाइम नहीं मिल रहा है मेरे पास। टाइम का बहुत वैल्यू है दोस्तों, तो जहाँ टाइम इज़ मनी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, तो जहाँ अपने को मनी मिलता है वहीं हम लोग टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो दोस्तों टाइम नहीं मिल रहा था बोल के मैं ब्लॉग क्रिएट नहीं कर पा रहा था। फिलहाल दोस्तों आज थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ चुका था मैं, तो अभी दोस्तों 11 बज रहे हैं, तो अभी मैं यहाँ से ब्लॉग चालू कर रहा हूँ। रीज़न ऐसा था, रीज़न आपको बताता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, जब से मेरे को जुकाम पकड़ा था, है ना दोस्तों, जब से मेरे को जुकाम पकड़ा था उसके बाद पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। एलर्जी, सर्दी नहीं है, जुकाम का कोई सिम्टम्स है ही नहीं मेरे को, लेकिन पता नहीं नाक बहता है और गले में थोड़ा सा इचिंग रहता है, एलर्जी है लगता है किसी चीज़ का। तो फिलहाल दोस्तों मैं सुबह जैसे उठा ना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, मतलब रात को ना नींद ही नहीं हो पा रहा था ढंग से, सो रहा था ना तो ऐसा लग रहा था कि मैं जाग रहा हूँ, बस आँख बस ऐसे करके था लेकिन मैं जाग रहा था, मतलब नींद अच्छे से पूरा हो नहीं पाया, ठीक है। और बस सुबह उठ गया और बहुत सारा काम है दोस्तों आज। फिलहाल जैसे कि एक भैया का फिलहाल टिकट करना है, मतलब IRCTC से टिकट करना है एक भैया का, और दूसरा चीज कपड़ा भी बहुत दिन से पड़ा था तो कपड़ा भी धो लेता हूँ। तेजस तो धोती है, कुछ कपड़े रहते हैं जो उसको मैं धो देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल मैं अपना ये काम कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों अभी शाम का वक्त हो चुका है और मैं रेडी हो चुका हूँ और थोड़ा सा सो गया था दोस्तों क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था। तो ठीक है दोस्तों, अभी ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि अभी भांजे का 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, तो इसके लिए देखो हम लोग 1 मंथ का बना रहे हैं पास, है ना। आज के लिए दोस्तों ट्रेंड में चल रहा है, तो फिलहाल हम लोग 1500 रुपीज़ से बनाए हैं। सब लोग दिमाग लगा रहे थे कि किससे बनाना चाहिए। मैं बोला कुछ लोग फ्रूट से बनाते हैं, कुछ लोग कुछ अलग चीज़ से बनाते हैं, तो मैं बोला कि क्यों ना पैसे से बनाते हैं। बोलिए मैं पैसे से बता दी, आइडिया दे दी हम तो लोग बना रहे हैं दोस्तों। रेडी होने का रीज़न ये है दोस्तों क्योंकि अभी मैं और तेजस दोनों जाएंगे मार्केट, है ना, तो बहुत सारा वैसे शॉपिंग करना है लेकिन देखते हैं कितना हो पाता है एक दिन में। और ठीक है, फिलहाल मार्केट निकलेगा तभी पता चल पाएगा। तो दोस्तों भांजे का 1 मंथ का जो बर्थडे था, ये मतलब बर्थडे जो सेलिब्रेट, बर्थडे ही बोला जाए, बर्थडे सेलिब्रेशन, वो अभी जो ट्रेंड में चल रहा है जैसे कि आपको दिखाया था, तो वो हम लोग फोटो खींच लेंगे, आपको मैं दिखा दूंगा, देख सकते हो ऊपर में यहाँ पर। तो फिलहाल चलते हैं दोस्तों, ये अपना गाड़ी चालू, ये हेलमेट और गेट, यहाँ पास पापा खोल रहे हैं। फिलहाल दोस्तों मैं भी शॉप पे पहुँच चुका हूँ और ये है पूरा मार्केट, इधर से उधर देख सकते हो आप लोग। तो फिलहाल दोस्तों सामने तेजस है यहाँ पास, ये देख सकते हो आप लोग, ये टोटल पूरा किड्स वियर है। तो क्या भांजे का पहला दिवाली है तो उसके लिए कपड़े ले लेते सोच के हम लोग आए। अंदर भीड़ है बोल के मैं नहीं जा रहा हूँ, देखता हूँ थोड़ा सा भीड़ कम होगा तो मैं जाऊँगा। तो फिलहाल दोस्तों ये लिए हम लोग, एक कपड़ा ये था, दूसरा ये है और तीसरा ये लिए दोस्तों। लास्ट लेना था हम लोग को रंगोली, यहाँ पर दोस्तों तेजस गई है रंगोली लेने के लिए। ये रेड कलर है क्या? ये ग्रीन है, दोनों से देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पास पूरे भैया के पास लगभग 40 कलर, सोचे थे कि बहुत जगह जाएंगे बोल के टाइम ही नहीं मिल पाया, रंगोली ले लिए दोस्तों, अब चलते हैं घर की तरफ। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी मार्केट से आ चुका हूँ, है ना, इसी कपड़े में खाना वाना भी खा लिया और बस जाता हूँ, कपड़ा चेंज करूँगा, सोऊंगा और आगे का व्लॉग कल से कंटिन्यू फिर करेंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट डे दोस्तों, और फिलहाल अभी ड्यूटी से आने के बाद दोस्तों खाना वाना खाने के बाद मैं तेजस दोनों जा रहे हैं अभी नाइट राइड पर। तो दोस्तों हेलमेट तो लेके जा नहीं रहा हूँ और टाइम देख सकते हो आप लोग ऊपर में, 10 बजने वाले हैं टाइम, तो
निकलते हैं अपने राइड के लिए। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पास, है ना, और ये देखो सामने में। अभी फिलहाल दोस्तों घर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। मस्त ठंडी लग रही है दोस्तों, मस्त माहौल भी हो रखा है और रात का टाइम है, 11 बजने वाले हैं। मैं और तेजस हूँ दोस्तों, देख सकते फिलहाल दोस्तों हम लोग अंडरब्रिज से निकलने वाले हैं और ये देखो फिर रेलवे क्रॉसिंग फिर बंद है दोस्तों। ये देखो यहाँ पास बस, हम लोग तो इसी नाम से परेशान रहते हैं खासकर। हम लोग ना दोस्तों ये रेलवे क्रॉसिंग के नाम से परेशान रहते हैं सबसे ज़्यादा। यहाँ पास है अपना अंडरब्रिज, इधर से इस साइड निकलने का रास्ता। चलो वेट करते हैं थोड़ा देर फिर चलते हैं आगे, वेट करते हैं अभी ट्रेन जाने के बाद फिर आगे जाएंगे। ए देखो भाई ट्रेन एंड हो गई है। चलो भाई फाटक खुल के अब चलते हैं आगे की तरफ। ये देखो शनि मंदिर दोस्तों, ये देखो ये शिव मंदिर, आगे दुर्गा मंदिर। कुछ लोग तो दोस्तों अभी स्वेटर भी निकाल लिए हैं, मतलब ये अभी फिलहाल तो गुलाबी ठंडी है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। बस तो सुनहरा ठंडी हो चुका है दोस्तों। अच्छा लग रहा था कि मुझे हेलमेट ले आना था, कान ठंडे हो गए अभी। तो दोस्तों हम लोग आ गया पानी टंकी, अभी चलते हैं घर की तरफ। तो ये तेजस का घर, चल पकड़ो। दोस्तों हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं, देखो इन लोग भी आ चुके हैं यहाँ पर सामने। एक तो और आ रहे भग भग के। फाइनल दोस्तों घर हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पास और अंधेरा हो गया है।
कोई लाइट नहीं चल रहा, मम्मी लोग भी सो गए लग रहे, देखो बुरा अंधेरा हो गया। और हाथ पैर धो लेते हैं फिर अंदर जाते हैं, क्योंकि नियम यही है दोस्तों हमारे घर में, वही सिखा रहे हैं, कहीं से भी आओ, मंदिर मस्जिद हॉस्पिटल एक्स वाई जेड, फिर आप हाथ पैर धो के रूम के अंदर एंटर होना चाहिए। तो फिलहाल आप हाथ पैर धो लेते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग यहाँ पास हाथ पैर धो लिए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक लिए गुड बाय, गुड नाइट।